Good morning, students. I am Anuradha Rajput, your EVS teacher, and today I will teach you chapter number 21 like father, like daughter. Chapter 21 explains us about the inheritance of family traits through generations. This chapter guides children to Notice and appreciate the skill and qualities of family members. This chapter helps identify different genetic diseases and also discuss the pulse polio program carried out by the government. So let's start. Achi. Ashima was sitting near the window and reading it was windy and there was a lot of dust in the air suddenly ashima sneezed loudly a chi ashima's parents were sorting out vegetables in the kitchen her mother said she sneezed just like you do if you were not here i would have thought it was your sneeze ashima ke paas Patty, पड़ रही थी बहुत तेज हवा चल रही थी धूल भी बहुत उड़ रही थी अचानक आशिमा को जोर से चीख आई आशिमा की माँ और पिताजी दोनों रसोई घर में सब्जी छाट रहे थे माँ ने कहा देखा चीखती है तो बिल्कुल आपकी तरह अगर आप यहाँ ना होते तो मैं समझती कि आपने ही छीका है इज Who आंट Nilima had gone to the house of her nani In the school holidays, she saw someone coming and went to tell her mother. Amma, a mossy has come to meet you. Her mother came out to see who had come. She told Nilima, No, this is not your Mossy. She is your sister, Kiran. You know your eldest nani? किरण इज़ द डॉटर ऑफ हर एल्डर सन किरण इज़ योर कजन सिस्टर इन फैक्ट यू आर हर क्यूट सन समीट्स मौसी नीलिमा स्कूल की छुट्टियों में अपने नानी के घर गई थी उसने किसी को आते देखा और अंदर जाकर माँ से कहा अम्मा देखो तुमसे मिलने कोई मौसी आई है माँ ने बाहर आकर देखा और कहा अरे पगली ये तुम्हारी मौसी नहीं तुम्हारी बहन है यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी नानी के बेटे जगदीश की बेटी किरण है असल में तो तुम इनके प्यारे से समीर की मौसी हो हाउ वी आर ऑल रिलेटेड nilima started playing with sameen. her mother called kiran and said, "see, my nilima's hair is a lot like yours. thick, curly and black. it is good she does have hair like mine, straight, limp and brown." nilima's nani laughed and said, "yes, isn't it strange? वी सिस्टर्स हैड थिकी करली हेयर एंड नाउ आर सेकंड जनरेशन हैज़ सिमिलर हेयर नीलिमा वाज लिस्निंग टू ऑल दिस शी थॉट वी आर कॉल डिस्टेंस रिलेटिव बट हाउ क्लोजली रिलेटिव वी आर इन मैनी वेज नीलिमा छोटे समीर के साथ खेलने लगी इतने मेहमान ने कहा किरण देखो मेरी नीलिमा के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसे हैं घने काले और घुंघराले। शुक्र है मेरे बालों की तरह सीधे भूरे और बेजान नहीं हैं। नीलिमा की नानी हंसकर बोली हाँ हैरानी की बात है ना जैसे हम बहनों के घने घुंघराले बाल थे अब वैसे ही हमारी दूसरी पीढ़ी के बच्चों के भी हैं सबकी बातें सुनकर नीलिमा ने सोचा कहने को तो हम दूर के रिश्तेदार हैं मगर आपस में कितने जुड़े हुए हैं लुक एट दिन इज सरोजा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अरर नो दिस इज हर ट्वेन डिड यू गेट कंफ्यूज दियर मदरस ब्रदर also gets confused when he sees them together at times saroja gets scolded for mischief done by subhasini sometimes subhasini tricks her mama and says subhasini has gone out ye picture में जैसा आपको दिख रहा है कि दोनों same ही हैं तो क्या सरोजा आईने के सामने खड़ी है जी नहीं उसके सामने आईना नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन है उसकी ट्विन जब भी वे दोनों मिलती हैं तो उनके मामा भी गड़बड़ा जाते हैं और कभी सरोजा को डांट पड़ जाती है सुवासनी की सैतानी की कभी सुवासनी खुद अपने मामा को कहती है कि सुवासनी बाहर गई है बट नाउ मामा हैज यू विल अंडरस्टैंड। आजकल उनके मामा समझ लेते हैं कहते हैं मराठी में गाकर दिखाओ यह क्या तरीका हुआ उनके बारे में पढ़ो तो समझ जाओगे द सिस्टर्स वॉर जस्ट टू वीक्स ओल्डा चाची and हर एंड टू पुणे Everyone in Chachi's house is very fond of music. Mornings being with music in the house, Saruja knows many songs in both the languages, Tamil and Marathi. At home, everyone speaks Tamil, and at school, most of the children speak in Marathi. Subhasini stays with her father in Chennai. Her father is a karate coach since. शी वॉज थ्री सुबासनी स्टार्टेड डूइंग कराटे विद द अदर चिल्ड्रन ऑन हॉलीडेज बोथ फादर एंड डॉटर स्टार प्रैक्टिसिंग इन दॉर्निंग सरोजा एंड सुबासनी लुक अ लाइक बट्सो क्वाइट फ्रेंड दोनों बहने जब दो हफ्ते की ही थीं तब सरोजा की चाची ने उनको गोद ले लिया और अपने साथ पुणे ले गई चाची के घर में सभी को संगीत का बेहद शौक है इसलिए सुबह की शुरुआत ही संगीत से म्यूजिक से होती है सरोजा को बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं और वह दोनों ही लैंग्वेज मराठी और तमिल में उनको गा सकती है उसके घर पर सब लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में ज़्यादातर बच्चे मराठी लैंग्वेज यूज़ करते हैं सुबासिनी चेन्नई में अपने फादर के साथ रहती है उनके पिता कराटे के कोच हैं तीन साल की एज से ही सुवासनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी छुट्टी के दिन दोनों बाप बेटी सुबह से ही प्रैक्टिस करने लग जाते हैं देखने में दोनों बहनें एक जैसी हैं पर उनकी पहचान फिर भी काफ़ी अलग है अब तुम समझे उनके मामा ने उनकी पहचान का तरीका कैसे ढूंढा Saroja and Suvasni look a lot like each other yet are different. For example, Saroja knows two languages. If Suvasni's family also talked in two languages, she could also learn both. We learn many things like languages, music, love for reading or knitting when we get a chance and an environment to do so. सरोजा और सुवासनी दिखते तो एक जैसे हैं पर इनमें कई बातें अलग अलग हैं जैसे सरोजा को दो भाषाएं आती हैं मगर सुवासनी के घर पर दो भाषा बोलते तो वही भी दोनों भाषा बोलना सीख सकती बहुत सी चीज़ें जैसे बुनाई भाषा संगीत या पढ़ने का शौक़ हम आसानी से पा लेते हैं जब हमें उसका माहौल मिलता है but not this from parents sati was only a few months old when one of her leg was affected by polio but she never let this come in the way of her work and her life walking long distances and climbing many stairs has been a part of her work now sati is married व एनी चिल्ड्रन शी इज ऑल्सो वरी चिल्ड्रन मे ऑल्सो गेट पोलियो शी स्पोक टू अ डॉक्टर अबाउट दिस सती जब छोटी थी कुछ महीने ही की थी तब उसकी एक पैर में पोलियो हो गया था इतने सालों में उसने कभी भी अपनी इस प्रॉब्लम को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया दूर दूर तक पैदल जाना और कई मंजिल सीढ़ियां चढ़ना उसके काम का हिस्सा रहा है अब जब उसकी शादी हुई है तो लोग उसे बच्चा पैदा ना करने की सलाह दे रहे हैं उसे खुद भी डर है कि कहीं उसके बच्चे को भी पोलियो ना हो जाए फिर उसने डॉक्टर से सलाह ली एक्सपेरिमेंट्स विद पीस rough or smooth gregor mendel was born in a poor farmer's family in austria in 1822 he was very fond of studies but the very thought of examination made him nervous oh you too feel the same he did not have money to study at the university so he thought of becoming a monk in a monastery, he thought from there he would be sent to study further. which he was, but to become a science teacher he had to take an exam. oh no, he got so nervous that he kept running away from the exam and keep failing. but he did not stop doing experiments for seven years. He did experiments on 28,000 plants in the garden of the monastery. He worked hard, collected many observations, and made a new discovery. Something which scientists at the time could not even understand, they understood it many years after his death. When other scientists did such experiments and read what Mendel had already written. What did Mendel find in those plants? He found that the pea plant has some traits which come in pairs like the seed is either rough or smooth, it is either yellow or green, and the height of plants is either tall or short. Nothing is between the next generation of a plant which has either rough or smooth seeds will also have seeds which are rough or smooth there is no seed which is mixed a bit smooth and a bit rough he found the same with colored seeds which are either green or yellow gave rise to new seeds which are either green or yellow the next generation does not have seeds with a mixed new color made from both green and yellow. Mendel showed that in the next generation of pea plants, there will be more plants having yellow seeds. He also showed that the next generation will have more plants with smooth seeds, what are discovering. ये जो स्टोरी है ये ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगोर मैंडल की है जिनका जन्म सन 1822 टू में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था उनको पढ़ाई का बहुत शौक था पर परीक्षा के नाम से ही वो डर जाते थे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे ना होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक या मुनि बनने का सोचा ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके और जो मिला भी पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी उफ घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग आते और फैल होते रहे उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा सात साल तक मटके बगीचे में ट्वेंटी एट थाउजेंड पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोजने काली ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों समझ ही नहीं आई मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे समझ पाए थे जब कुछ और लोगों ने ये प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा था मेंडल ने पौधों में क्या पाया था उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण थे जो जोड़ियों में आते हैं जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना पर चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी यानी अगली जनरेशन के पौधों में भी बीज या तो चिकने या खुरदुरे होते ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते या हरे पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते यही नहीं मैंडल ने तो यही भी बताया कि मटर की अगली जनरेशन के पौधों में ज्यादा पीले बीज वाले ही होंगे इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज्यादा होंगे तो इस चैप्टर में हमने जाना कि कैसे जो ट्रेड्स होते हैं या जो लक्षण होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते हैं या इनहेरिट होते हैं जैसे जो चिल्ड्रन होते हैं वो उनमें कुछ कैरेक्टर अपने पेरेंट्स के पाए जाते हैं और ये कैरेक्टर्स उनकी बॉडी में जीन के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं इसके अलावा हमने इस चैप्टर में मैंडल के बारे में भी जाना जो कि जेनेटिक के साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही जीन ट्रांसफ़र के बारे में बताया इसके लिए उन्होंने ट्वेंटी एट थाउजेंड प्लांट्स पर प्रयोग किया और रिजल्ट निकाला और जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इस चीज़ को माना और स्वीकार किया कि जो बातें मैंडल ने बताई हैं वो सही हैं आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा थैंक यू